जनपद के सीमावर्ती थाना कुमारगंज व थाना खंडासा क्षेत्र में 6 गांव में हुई चोरियों का खुलासा हुआ। खंडासा के मूर्तिहन व कुमारगंज के शिवनाथपुर, अकमा, बिरौली झाम, बहादुरगंज व धमथुवा में हुई चोरी की घटना का अयोध्या एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले का खुलासा किया है। मिल्कीपुर की पुलिस ने अच्छा कार्य करते हुए खंडासा और कुमारगंज क्षेत्र में लगातार चोरी और नकाबजनी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सरगना वकील सेनापति समेत 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। खंडासा व कुमारगंज पुलिस ने सिधारी बाजार मोड़ से गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से लगभग 10 लाख रुपए की चोरी के आभूषण, 1 देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 लोहे की रॉड भी बरामद हुई हैं। ये सभी गांव में रैकी कर चोरी करते थे। 1 अयोध्या जनपद व 2 चोर सुल्तानगंज जनपद के रहने वाले हैं। गैंग के सरगना वकील सेनापति पर अयोध्या व अमेठी में 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस घटना का अनावरण करने वाले पुलिस टीम को एसएसपी राजकरण नैयर ने 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र के थानों में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं हो रही थी। घटनाओं के अनावरण के लिए हमने टीम का गठन कर रखा था। इस टीम को सुबह सफलता प्राप्त हुई है। टीम ने आज सुबह चोरी घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। इसमें से 1 का नाम वकील सेनापति, दूसरे का संत कुमार सिंह है, तीसरे का हरीश चंद तिवारी है। इस वकील सेनापति कब्जे से तमंचा भी बरामद हुआ है। 2 मोटरसाइकिल जिनसे ये लोग सुबह थे वो भी उनके विषय में भी जानकारी की जा रही है। इसके बारे में जानकारी में आया है कि ये जो 2 अभियुक्तगढ़ संत कुमार सिंह और हरीश चंद तिवारी हैं, ये पहले रैकी करते थे क्षेत्र में घूमकर, उसके बाद फिर वकील सेनापति को बताते थे। ये वर्तमान में सफेदाबाद बाराबंकी में रह रहा था, वहाँ से आता था। चोरी घटना ये तीनों मिलकर कारित करते थे। हलियापुर सुल्तानपुर में मिलते थे ये दोनों। बाकी के अभियुक्तगढ़ हलियापुर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। इस क्षेत्र में चोरी घटना कारित करते थे। इनकी निशानदेही पर चोरी घटनाओं में जो चोरी का माल है वो भी हमने बरामद कर लिया है और कुल माल की कीमत लगभग 10 लाख के आसपास है। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। एसएसपी साहब ने इसके लिए 25,000 रुपये इनाम की भी पुरस्कार घोषणा की है और गिरफ्तार कर इन सबको जेल भेजा जा रहा है। आगे और भी कार्रवाई इसमें की। ये सामान इकट्ठा कर रहे थे बेचने के लिए। जब इकट्ठा कर लेते तो सामान ये बेचने नहीं पाए थे। हम लोगों ने उससे पहले सामान की बरामदगी कर ली, जहाँ से हमने बरामद किया। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।